कि आप लोगों का क्लास 12th का मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो अभी किस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है उसका आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले बच्चों देख लीजिए, मैं आपको ना फटाफट से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का दोनों का आंसर की बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव का बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट जो आपका वीडियो मतलब कि क्वेश्चन होने वाला पेपर एग्जाम उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाता फिर आंसर बताऊंगा। देखिए सेशन में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा, इसमें है ना 1 से लेकर 10 तक इसमें 5 ही बनाना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न की जो ना विद्युत बलों के लिए कूलम का नियम लिखे, उसके बाद है कि दोनों आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखे, तीन नंबर की विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर तीव्रता की परिभाषा लिखे, चार नंबर की बल लेखा किसे आप क्या समझते हैं, पांच नंबर की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं जो ना विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें, छह नंबर की ये सारा है। तो मैं 5 मिनट तक आंसर बताऊंगा, आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। टूटी गुटा प्रश्न इसमें देखिए मैं 11 नंबर का आंसर बताऊंगा, गॉस के परमाणु नियम को लिखे एवं प्रमाणित करें, और ये प्रश्न बट मैं यहाँ पर देखिए उसके बाद डायरेक्ट 14 नंबर का बताऊंगा किसी समांतर पत्ती वाले जो है ना धारिता की जो ना धारिता की व्यंजक लिखे, उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर की दो आवेशित जो है ना संधारित्व में आवेश के कण करती हुई ऊर्जा को लिखे। तो इस प्रकार से प्रश्न में इसका आंसर चलिए फटाफट से बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है आप लोगों को। बच्चों जल्दी से आप लोग क्या करिए, अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च जल्दी से गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आप लोगों को मात्र मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है, ठीक है। मिथुन स्टडी सेंटर आप फटाफट से आइए गूगल में और सर्च कर लीजिए, जैसे ही सर्च करिएगा प्यारे बच्चों आपको ना जैसे जैसे बता रहा पूरा स्टेप कर लेना फॉलो, बिल्कुल आराम से डाउनलोड होगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, मैं आपको जूम करके भी दिखाता प्यारे बच्चों, बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है ना। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक कर लीजिए, जैसे क्लिक करेगा आपको पेज को एक बार नीचे की ओर ना रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिए, फिर से नीचे आइए, नीचे आइएगा फटाफट से आपको क्लास 12th का एक सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12th का यहाँ पर देखिए सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देखिए और इसमें फर्स्ट वाले पर लिखा हुआ जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करके इसको भी रिफ्रेश कर लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करिए, इस प्रकार से नीचे आइए, नीचे आइएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक होगा, वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लेना, आगे आपको जो है ना पेपर का नोटिफिकेशन आराम से मिल पाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर है फिजिक्स का केमिस्ट्री का, जो इससे फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी क्लिक कर लोगे, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करने के बाद आप नीचे करना स्क्रॉल डाउन, इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर के आपको बिल्कुल जो है ना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का इसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको देखिए सब्जेक्टिव का शॉर्ट प्रश्न जो है यहाँ पर बिल्कुल आंसर की जो है ना लिखा गया है, तो यहाँ से आकर के आप आराम से जो है ना सारे प्रश्नों का आंसर के यहाँ पर से प्यारे बच्चों आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये सारा प्रश्न आपका रहा, ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन का भी यहाँ पर बिल्कुल जो है ना दिया गया, तो सारे प्रश्नों का आंसर लिख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।